पानी गांव निवासी पिंटू विश्वकर्मा ने अपनी मन्नत पूरी होने पर मां नर्मदा की दंडवत यात्रा प्रारंभ की। पानी गांव से 65 किलोमीटर इस यात्रा को पूरी करने में इन्हें 10 से 12 दिन लग सकते हैं। इनका कहना है कि लॉकडाउन में इनके छोटे भाई का स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो गया था तथा किसी बड़े अस्पताल में जाना मुश्किल था क्योंकि उस समय कोरोना का बहुत ज्यादा डर था। इसी कारण उन्होंने मां नर्मदा से मन्नत मांगी थी और अगर उनका छोटा भाई पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा तो वह नेमावर तक प्रणाम करते हुए दंडवत यात्रा करेंगे। मां नर्मदा के नाभिक कुंड तक जाएंगे तो उन्होंने आज अपनी यात्रा प्रारंभ की। वही क्षेत्रवासियों ने इस भक्त का जगह जगह पुष्पहारों से स्वागत किया। मेरा नाम पिंटू विश्वकर्मा है। मेरा भाई लॉकडाउन में बीमार हो गया था तो मैंने मां नर्मदा से दंडवत की मान्यता मांगी, इससे मेरा भाई स्वस्थ हो गया है। इसके लिए मां नर्मदा जगजननी जी ने दंडवत यात्रा आज से प्रारंभ कर दी है। एक दिन में मैं 5 किलोमीटर चल पाऊंगा तो 60 किलोमीटर है तो वो कितने दिन लगेंगे? 5 किलोमीटर। आपने यात्रा कहाँ से शुरू करी है? मैंने पानी गांव से करी है। कल माँ की अखंड ज्योत जलाई थी मैंने और आज से शुरू करी है ये यात्रा।